सर। जब मैंने बाहर खड़े हुए पत्रकारों को अनुमति नहीं दी तो इनको अंदर कैसे आने दूं? इट्स नॉट फेयर। आई एम डॉक्टर आदि किशोर, चीफ ऑफ नार्को एनालिसिस विंग। मैं मैथ्यू जॉर्ज, आईजी ऑफ पुलिस। ये हम शूट कर सकते हैं? ये तो यूजुअल प्रैक्टिस है। नो, व्हेन आई सेड नो इट्स अ नो, प्लीज। ये यहाँ का नियम है। आप थोड़ा रुकिए, 3 महीने मिला ना आपको। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं उनसे कह रहा था कि शूट मत कीजिए। वेरी गुड। नमस्ते, एडवोकेट सिराजुद्दीन। नमस्ते। क्वेश्चन ईयर रेडी है ना? वो मैं पूछ लूंगा। वो नहीं हो सकता। आपको सस्पेक्ट से जो भी सवाल पूछवाने हो लिखित तौर पर तैयार करके दीजिए। से नार्को एनालिसिस बोले तो इट्स समथिंग डिफरेंट एंड इट्स डेंजरस टू। ये बात अलग से बताना जरूरी है। सी डॉक्टर, ये केस हमारे डिपार्टमेंट का प्रेस्टीज है। पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट होने के बाद भी दोनों टेस्टों में हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। सिर्फ वही नहीं सर, अभी कॉलेज में फिलहाल जो हादसे हुए वो हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ है। दिस इज द लास्ट चांस, ये आखिरी टेस्ट है। नार्को टेस्ट के आधार पर ही हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी। अगर हम इसमें हार गए तो हमें इस मुजरिम को रिलीज करना ही पड़ेगा। प्लीज गो टू द केस हिस्ट्री एंड डू द नीडफुल हेल्प। सर, बिना समझे मैं कुछ नहीं करूंगा। सिर्फ इंडिया से ही काफी ऐसे संस्थाएं हैं जहां से ऐसे केसेस 300 के ऊपर पेंडिंग है, इंक्लूडिंग केसेस फ्रॉम होम मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। केरल से होने के कारण, इस सीरियल किलर और उसके बढ़ते हुए खून के कारण मैं इस केस को और आगे नहीं किया। ओनली बिकॉज ऑफ DGP रामचंद्र नायर। वो मेरे गुरु हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। सो प्लीज प्रिपेयर द क्वेश्चनर। यू हैव एनी ऑब्जेक्शन? नो डॉक्टर, हमें जो बोलना था वो सब कुछ हम कोर्ट में ही बोल दिए हैं। हमारे परमिशन के बिना इन्होंने 2 टेस्ट करवाए हैं। कुछ नहीं मिला। विदाउट अवर परमिशन ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करवाया। अब ये नार्को एनालिसिस, ये सब कुछ केरला पुलिस का फैशन है क्या? मुझे तो ये और कुछ नहीं दिख रहा। ये पुलिस का फैशन है, आप कुछ भी बोल रहे हैं? ये क्या मजाक बना रखे आप लोगों ने? इस केस को कहां अंजाम देना है मुझे पता है। आप बेशरम हो, लगता है इसीलिए डॉक्टर का पांव पकड़ के रो रहे हो। यू सॉरी, दिस इज नॉट द प्लेस। दिस इज नॉट अ पुलिस स्टेशन एंड नॉट एट ऑल अ कोर्ट रूम। दिस इज अ सेक्रेट इंस्टीट्यूशन। यू शुड से कि एक बहुत ही भरोसे की जगह है। एन इंस्टीट्यूशन व्हिच प्राइमरीली डील्स विद मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। मानसिक तौर पे जो लोग बीमार है उनके मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ये जगह है। लेकिन ये हमारा ही नसीब है जो यहाँ ऐसा हो गया। राज्य के अलग अलग कोने से प्रेशर आने की वजह से हम सारे मेडिकल एथिक्स भुला बैठे हैं और हम सबको ऐसे काम करना पड़ रहा है। एंड आई एम डेड अगेंस्ट दिस लीगली प्रोफेशनली एथिकली रॉन्ग साइकोलॉजिकली 3rd degree प्रोसीजर। डॉक्टर, यू शुड बिकम ए पास्टर। ऐसा खतरनाक मुजरिम के साथ ऐसा सुलूक नहीं किया जाएगा तो कैसा किया जाएगा? आप लोग समझते क्या है, आप ही बताइए। 3 महीने आपकी कस्टडी में रहने के बाद भी इनको कुछ नहीं मिला, फिर आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? सी, जितनी जल्दी हो सकता है वो क्वेश्चन का कॉपी मुझे रेडी करके दीजिए। डॉक्टर, मुझे एक कॉपी। हाँ। नो, ये सब प्रश्न पूछना बहुत ही मुश्किल है। क्वेश्चन मस्ट बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। यू आर राइट डॉक्टर। According to 1998 Supreme Court decision, questions should be relevant and no personal questions other than what is necessary to prove the crime charge against the accused should be asked. See? तो फिर कौन से सवाल पूछेंगे? तुम्हारे बनाए हुए सवाल? हम अपनी जान पर खेलकर मुजरिम को पकड़ते हैं। Mr. Matthew, we are human being. वो जो अंदर कैबिन में है, वो भी एक इंसान है। Narco analysis बोले तो आईजी साहब, it's not a simple test.
डोज अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो वो इंसान कोमा स्टेज में जाकर बाद में मर भी सकता है। मुझे या मेरे डिपार्टमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक सीरियल किलर है, कोई आम आदमी नहीं है। सीरियल किलर आईजी ही है, जरा जोर से बोलिए। चार्जशीट फाइल किया हुआ केस है, पता है ना? सी, आप बहुत देर हो रहा है। आपका सवाल क्या है उससे जो भी रिलेवेंट हो मैं जरूर पूछूंगा, और उनसे मैं जो जो सवाल करूंगा और बदले में वो जो जो जवाब देंगे वो मैं सीडी में लाके दूंगा। एंड मैक्सिमम 30 मिनट्स आई विल बी देयर विद रिजल्ट्स, प्लीज। Is everything ready? Me, Dr. Adi Keshavan, Chief Clinical Forensic Psychiatrist. ये test results आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं जाए उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। So, you can relax and cooperate. Sodium amethylene injection अभी मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसके बाद आप सेमी कॉन्शियस हो जाएंगे। इस अवस्था में आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। पुलिस ने जो क्वेश्चंस की लिस्ट दी है वो मैं आपसे पूछूंगा। आप सिर्फ यस और नो में आंसर दीजिए। इस टेस्ट के लिए आपका रिटन कंसेंट हमें चाहिए, यह बहुत जरूरी है। ओके नर्स? यस डॉक्टर। कैमरा रेडी? ओके, रिलैक्स। आप अपना नाम बता सकते हैं? टेप की आवाज है? ओके, डन डन। ओके, क्या आप अपनी उम्र बता सकते हैं? क्या आपको पता है कि आपको मौत की सजा हुई है? कानून के हिसाब से 7 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं आप। उनमें से 3 लोगों की कत्ल आप अपने हाथों से किया है, यह आपने पुलिस को कहा है, क्या यह सच है? ओके, कत्ल हुए लोगों का नाम मैं आपसे पूछूंगा। अगर आपने वाकई में लोगों का कत्ल अपने हाथों से किया है तो आप यस बोलेंगे, और अगर नहीं किया है तो नो बोलिएगा। क्लियर? गुड। लिंडा डिसूजा, विवेक अरविंदाक्षण, आथिरा नायर, श्रद्धा सीके, सिक्योरिटी गार्ड भद्रन रघुरामन, सिक्योरिटी गार्ड नंजप्पा, समीरा डैनियल, नरुद्दीन अहमद एलियस रॉबर्ट। यस, के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो what to do? तुम्हारे कहने से पप्पी तो क्या? लिंडा, तुमको ज्यादा हो गया हा? तुम्हारे साथ कहीं भी जाए ना तो प्रॉब्लम ही होते हैं। मुझे खड़ा होना है। We have to react to each and every action against womanhood. फालतू की बकवास मत करो। Hey Jessie, you please shut up your mouth, okay? विवेक भी इसी की जैसा है। उसको हमने वहाँ बुला के कल अधिक किया। विवेक तो उसका डियर लवर है। Jesus, everybody is blaming me.
सबका दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? ओके, स्टॉप, स्टॉप द कार, आई से स्टॉप द कार। लिंडा, लिंडा, व्हाट इज दिस? आई से स्टॉप द कार, कार रुको। What are you doing? रुको, लिंडा, रुको कार। What are you doing यार? Shut up, I say. Stop the car. Just remember the past. The past thing which ruined our life forever. No more arguments. Okay. Okay, then stop it. अब चले क्या? इसने तो परेशान करके रख दिया हूँ. पुलिस. हाँ, पुलिस. कहाँ जा रहे हो? हॉस्टल. वी आर मेडिकल स्टूडेंट. एक फंक्शन से आ रहे हैं. लेट नाइट पार्टी हुआ है. दारू पिया है? हेलो सर, दारू सिर्फ मैंने पी है, बट अ ड्राइवर नेवर ड्रंक. लू कहाँ? वहाँ बड़े साहब लोग खड़े हैं, संभल के जाना. कार का नंबर बताओ. KL 9P 9762. ठीक है ठीक है. सभी शॉर्टकट से जाते हैं. बच्चे इतने रात को यहाँ खड़े हो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. कुछ नहीं अंकल, वो ना थोड़ा सा ना. लेकिन तुम लोग कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली वो अंकल, हम लोग, वी आर वर्किंग इन आईटी, आईटी प्रोफेशनल. आईटी. ओके अंकल, ओके, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट. तुम लोग को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. उसके लिए जाना है, आप चले जाइए. प्लीज प्लीज जाइए, अपने घर जाइए. गुड नाइट. बाय. जैसे अगर लाश को यहाँ छोड़ते हैं ना, तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं. जितनी जल्दी हो सके लाश को दूर फेंक देते हैं. ओके? हम अगर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो? नहीं, हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते. हम सबने तो ड्रिंक किया है. ओके ओके, सोचने का वक्त नहीं है. लाश को गाड़ी में डालते हैं, चलो. यहाँ से निकला, उसने मुझे बताया. That engineering bastard, उसने तो मेरा दिमाग ही खा गया. उसको मैंने बहुत डांटा. हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए. हो सकता है वो यहाँ वापस आए. चलो यहाँ से. At least you have to stand there. तुम ही इसका कारण हो. इस बीच में पुलिस ने भी हमको पकड़ा. बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ से निकल पाए. विवेक,
विवेक मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। समी इनको सब बता दे। विवेक तुमको एक हेल्प करना पड़ेगी। व्हाट हेल्प? विवेक वी मेट विद एन एक्सीडेंट, एक आदमी मर गया। क्या? कहाँ? इधर गाड़ी के नीचे। You just open your car, Dickie man. नहीं समीरा, हम उसे यहीं छोड़ के चले जाते हैं। No, no. हमें यहाँ खड़े कुछ लोगों ने देखा था। So we have to dump this pod in some other place. Don't waste the time. Come fast. Hold it. हाँ, चलो जल्दी करो। उठाओ, उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ उसको। Come on, लेके चलो यहाँ से। जल्दी। क्या ऐसा एक और फोटो? ये भूत कॉलेज नहीं गए, ये चले गए। हे भगवान, मैं क्या करूं? इन सबको ठीक कैसे करूं? नो डिसिप्लिन गर्ल। माँ बाप दुबई में है तो इनको इतना घमंड। बाबा रे बाबा, जीसस क्राइस्ट, तुम तो मेरा सर फोड़ देती। मैंने बोला था ना मत खोलो, तुम्हें जो मैंने काम दिया था वो खत्म कर दिया क्या? हम जाने के बाद ही तुझे शांति मिलेगी। मैं सोची तुम लोग कॉलेज चले गए होगे, 9 बज चुके हैं, समय वापस आता है क्या? ठीक है, बाकी लोग अभी नहीं उठे हैं, तेरा मनुष्य चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। चली जा, चली जा। ओके, व्हाट यू आर लुकिंग एट माय फेस, गो गो। ओह गॉड, what happened? क्या हुआ लिंडा? My mobile is missing. Did you see it? मैंने नहीं देखी. Let me try. छी, क्या कर रही है तू? सोजा सोजा. लिंडा, तेरा फोन स्विच्ड ऑफ है. सुन. Oh Christ, मैं कहाँ भूल गई उसे? What's the problem? लिंडा का मोबाइल मिस हो गया. Oh God. पता नहीं कहाँ रखा. कहाँ रखी थी? तुझे याद नहीं है? कल लास्ट कॉल किसको किया था? तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है हमको। No use, मोबाइल इज स्विच्ड ऑफ। स्विच्ड ऑफ? हो सकता है पार्टी में ही कहीं गुम हो गया हो। ये तो केयरलेस है। ओह गॉड, श्रद्धा, यू जस्ट कॉल विवेक। फोन इज रिंगिंग, उठा नहीं रहा। इस लड़की की वजह से हम सब फंसने वाले हैं। व्हाट द हेल आर यू पीपल ओनली ब्लेमिंग मी? हां, तुम लोग मुझे क्यों डरा रहे हो? हां, कुछ भी मुसीबत हो मेरे ही सिर पे आती है। Idiot, तुम इतने excited क्यों हो यार? हाँ समी, विवेक ऑनलाइन। विवेक, where are you man? क्या? Again any problem? Yeah. तुम मेरे लिए काम करो, लिंडा का मोबाइल गुम हो गया। तुम रोड में एक्सीडेंट स्पॉट तालाब के पास देखना और फिर गाड़ी में भी ढूंढो। And one more thing, you have to be very careful. तुम मोबाइल सर्च कर रहे हो, किसी को शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? Okay. Anyway, Jessie, आज हम एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, हमारा एब्सेंस सब लोग नोट करेंगे। Hurry girls, come on, change your dress quickly. Uncle, आ रहा हूँ। Uncle, क्यों चिल्ला रहे हो? आ रहा हूँ भाई, सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, पानी भी नहीं पीने देते। Uncle, बेवजह का चिल्लाते रहते हैं सब। 9 बज चुका है, आहा, लगता है सारी लड़की आ गए। चलो वहाँ जाके बैठ जाओ। हाँ, गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ गुड मॉर्निंग। बबल गम मत खाओ, बोलता हूँ फिर भी सुनती नहीं हो। नहीं खाना चाहिए, गरम नहीं है ना तो मत देना। खाना खाना हो तो वक्त पर आना चाहिए, गरम खाना खाना अच्छा होता है। बाद में शिकायत मत करना, ये मत कहना कि खाना ठंडा हो गया। मन में गुस्सा है ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे डोसा नहीं चाहिए। मी टू, उसमें स्वाद ही नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे बनाना है मालूम है? उसके बिना तुम लोग कैसे रहोगे? सनी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है बुड्ढा। ए तू चुप बैठ। गर्ल्स चलो चलो। अरे 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 सुनो, मैं तो मजाक कर रहा था। खाना खाए बगैर कहाँ जा रहे हो? अरे अब क्या करें, पकड़ के रखा है क्या? बिना खाना खाए कहाँ जाओगे सब लोग?
गुड मॉर्निंग। कल रात तुम लोग कितने बजे आए वापस हॉस्टल में? दीवार बहुत गंदा था, कीचड़ था, खून था, समझ नहीं आ रहा था। मुझे बहुत तकलीफ हो गई। मुझे क्यों फंसा रहे हो तुम लोग ये सब चीजों में? पार्टी से जब आते हो मुझे बुला लिया करो, गेट खोलने के लिए मैं हूं ना इधर। और फिर बाहर अंदर बाहर जाने के लिए, ऐसे वक्त में गेट खोलने के लिए, बंद करने के लिए मुझे बुला लीजिए, मुझे कुछ नहीं मिलता। आपको तो हर महीने पैसे मिल ही जाते हैं। बात पैसे की नहीं है। नहीं तो लिंडा अपना मोबाइल दिखाओ, मुझे भी वैसे ही चाहिए। जाओ जाओ, मदद के लिए मेरे ही पास आओगे। तू कहाँ जा रही है? इट्स एन इंपॉर्टेंट मैटर इन कॉलेज, लेट्स मी गो, बाय। हाय लीडर, कुछ भी हो जाए ये अत्याचार नहीं चलेगा, स्टूडेंट पे अत्याचार नहीं चलेगा। ये बात सुन ले, सभी टीचर सुन ले, सभी प्रोफेसर सुन ले, कहते ही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स हैं, हम लोग धरना लेके बैठेंगे। प्रोफेसर ने वो किया होगा क्या? जवाब उनको देना ही होगा। प्रोफेसर कब आएगा? स्टूडेंट यूनियन की बात ये कान खोल के सुन ले, ये सभी सुन ले, ये लिंडा है ना, इसका तो दिमाग खराब हो गया लगता है। व्हाई शी इज डूइंग सच स्टूपिड थिंग्स। वहां देखो, उसका जाने से कोई फायदा होगा क्या वहां पे? रविंद्रन गो बैक। हे रविंद्रन, बुड्ढा प्रोफेसर रिपीस, कार रोको, कार रोको। हे प्रोफेसर रेपिस्ट, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कॉलेज में घुसने दूंगी? सो जस्ट लीव एंड गो बैक। जस्ट गो, जस्ट गो, यू आर अ ब्लडी रेपिस्ट। तुमने हमारे वाइस चेयरमैन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? जाने मत दो उसे। अरे चलना। ओके ओके, ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है यार साला प्रोफेसर? साला प्रोफेसर, हे रेपिस्ट, तुम कहाँ जा रहे हो? क्लास में फिर वही हरकत करने जा रहा है क्या? व्हाट इज दिस? हम लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। पागल हो गई क्या? पागल हो गई क्या? पागल हो गई है। पागल हो गई। मैं कहता हूँ, तुम अपना काम करो। क्या बोले थे? अरे उसे रोको, रोको उसे। She is finally a student, right? जाने दो उसे। Bloody rapist! तूने मान पिये तू, तूने मान पिये तू। समी, कल के एक्सीडेंट के बारे में पेपर में कुछ भी नहीं है। फिर क्या, रात को 1 बजे जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में कैसे आएगा? ओ, मुझे बहुत भूख लगी, कोई आ रहा है कैंटीन में साथ खाने के लिए? आई एम कमिंग। ओके कम, बाय बाय। समी, कुछ दिनों के लिए हम कहीं बाहर चले जाते हैं, जस्ट फॉर अ चेंज, सम हिल स्टेशन। नो नो, उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हेज विवेक। हाँ समीरा, तुम्हारी बताई हुई हर जगह मैंने ढूंढा, लिंडा का मोबाइल कहीं नहीं मिला। व्हाट टू डू अबाउट द मोबाइल? तुम किसी को कुछ मत बोलना, तुम घर आ जाओ, मैं बताता हूँ क्या करना है। मैं घर पे ही हूँ। कम, मोबाइल के लिए मैंने तुम्हारी बताई हुई हर जगह को देखा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। सुबह जब गाड़ी छोड़ी थी वहां पर कुछ भी नहीं था, ये बात मुझे अच्छी तरह से याद है। सी, ये जो लिखा है लिपस्टिक का है ना हे समीरा, hey,
दैट मे बी ट्रू. ये दोनों चीजें हमने कहीं देखी है, ऐसा मुझे लग रहा है. हो सकता है ये कोई हमारे आसपास का ही हो और हमें करीब से जानता है, या कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है. इसके लिए हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी. याद है ये फोटो का चक्कर बैंगलोर में शुरू हुआ था? कोई तो है जो हमसे छुपकर बिना पूछे ये काम कर रहा है, हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है. सो बी केयरफुल, ओके? हम इस गाड़ी के चारों टायर्स इमीडिएटली बदलने पड़ेंगे, आज ही. क्या विवेक नहीं लिपस्टिक से लिखा होगा? वो ऐसा नहीं करेगा. आई हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड मनी टू हिज अकाउंट. वो ऐसा नहीं कर सकता. हाउ मच मनी यू ट्रांसफर? 1.25 लाख. दैट्स टू मच. मुझे लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया. जो मैंने बार्गेनिंग की वो बिलो 1 लाख थी. तुम्हारे दोस्तों को बहुत गुस्सा होगा ना? सी, मारिया डजंट केयर फॉर ऑल दी सिली थिंग्स. वो हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड है. महीने महीने हमारे बैंक के ट्रांजैक्शंस वो हमें बताती है. वी विल जस्ट ट्रांसफर द बग्स, दैट्स ऑल. ये सिस्टम शुरू होकर 10 साल हो गए. समी, जस्सी, मारिया, रशीदा, फिर मैं, हम 5 थे. कोड़ाई कनाल में हम सब कॉन्वेंट में एक साथ पढ़ते थे. एवरीबडीज पेरेंट्स आर अब्रॉड. छोटी सी उम्र में हमारे पास बहुत बैंक बैलेंस था, लेकिन खर्चा करने के लिए वक्त नहीं था. माँ बाप को सिर्फ पैसा ही चाहिए था, हमारा प्यार नहीं. माँ बाप के ना होने के कारण हम लोगों का दिल और दिमाग उनके लिए तरसता रहा. ओह, जस्ट लीव इट देयर, यू हैव योर बर्गर. लो, नया मोबाइल लो. ये भी जाकर कहीं घुमा देना, ठीक है ना? For me? Really? Oh, thank you so much. Love you, dear. Yes? Okay. 6,000 से ज्यादा चाहिए. She is using ISD. Okay. कौन है? वो कस्टमर कह रहे हैं. वो पूछ रहे हैं कि खोए हुए कार्ड को ब्लॉक करना है क्या? वो मेरे नाम पर है तो मुझे अपनी आईडी देनी पड़ेगी. हाँ, यू डोंट वरी, मैं कल जाकर मैनेज कर लूंगा. मोबाइल गुम हो जाने की वजह से सब परेशान है. हेलो, लिंडा से बात करनी है. हाँ, देता हूँ. जेसी? यस जेसी. विवेक को बोला क्या जो कार में लिखा था? कार की बात है, वो जो पीछे के दरवाजे पर ब्लैक डालिया लिखा था, उससे क्या डरना? घबराने की क्या बात है? नथिंग टू वरी बेबी, डोंट टेक इट एज अ सीरियस मैटर. ओके ओके ओके. तुम वापस कब आ रही हो? मैक्सिमम 1 आवर बस है. मेरे दिमाग में टेंशन है कि ये सब कब खत्म होगा. टेंशन के साथ साथ डर भी है. वो मरा आदमी का चेहरा मेरे दिमाग से अभी तक नहीं निकला. मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें पुलिस ट्रेस कर रही है. लिंडा, विवेक का फोन था ना? नो, इट वाज माय आंट एंड अंकल फ्रॉम US. अगर थोड़ी देर पहले आती तो मैं भी स्विमिंग करती. क्यों, झगड़ा करने के लिए? हाउ डेयर यू. आतिरा, तुम्हारी जबान काली है. क्यों, अभी क्यों विवेक है? हाय विवेक. व्हाट? ओके, लेट मी जस्ट चेक. क्या, व्हाट हैपेंड? यस, इट्स रिंगिंग. Shit, that bugger is not picking up my call. Jassi, Rashida, the old phone is ringing. Jassi, listen, the old phone is ringing. कल तक ये स्विच ऑफ था, अब रिंग जा रही है. कोई फोन ही नहीं उठा रहा है. इसे ट्राई करो ना. टेंशन मत लो. हाँ. सी, सी. जो भी फोन कर रहा है. Oh no. ताई कहीं आसपास ही. हाँ. ये देख ना तेरा है. और देख, क्या किसी को यहाँ सोना नहीं है? चुप कर जाओ, लाइट्स ऑफ. शिट मैन, अभी भी ये नंबर स्विच ऑफ है. लीव इट. कैसे जाने दूँ, किसी ना किसी को तो फोन मिला ही होगा. गुड नाइट. मुझे नींद नहीं आ रही. व्हाई, क्यों नींद नहीं आ रही है?
समी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आंखें बंद करने से उस मूर्ति की याद आती है। सर, 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 सर। मेरा आना आप लोगों को पसंद नहीं आया ना? फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली असिस्टेंट प्रोफेसर माधवन छुट्टी पर हैं। आप लोगों को पसंद है तो रह सकते हैं, नहीं तो जा सकते हैं। नो सर, वी हैव नो प्रॉब्लम। आप आए तो ये हमारे बैच के लिए बड़े नसीब की बात है। थैंक यू सर। ओके, लेट अस स्टार्ट। हे जेसी, लिंडा कहाँ पे है? आते समय सर को जो परेशान किया था ना, इसके लिए डर से आई नहीं है। Today, we can discuss about spinal cord. The spinal cord gives us 31 pairs of spinal nerves in a symmetrical manner. Sir. Excuse me, please. No, you are not excused. And you are not supposed to attend my class. Why, sir? समझ में नहीं आया? ऐसे गुनेगार के क्लास में बैठने से तुम्हें शर्म नहीं आएगी? और सिर्फ यही नहीं, अभी तुमने बाहर क्या बोला था? रेपिस्ट है ना? सो मैं जो सिखाऊंगा तुम्हें समझ में आएगा? सर, यू कैन हैव दिस लेक्चर टुमारो मॉर्निंग विद माय असिस्टेंट। दिस इज नॉट फेयर सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इफ यू आर दैट मच वर्टिकुलर, यू कैन ऑल्सो लीव दिस क्लास। और आप लोगों को अगर पसंद नहीं तो मैं ये क्लास नहीं लूंगा। वो नहीं चाहिए, हम जाते हैं। आप लिंडा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वैसे भी असिस्टेंट को अलग से क्लास लेना ही पड़ेगा, तब हम लिंडा के साथ बैठ के आराम से पढ़ लेंगे अलग से। ओके, लेट अस कंटिन्यू। प्रोफेसर से माफी मांगो सबने कहा। टेंशन तो मुझे हो रही है, उसे क्या हुआ? तुमने माफी मांगी थी ना? नहीं ना? मैंने तो बिल्कुल क्लासिकल स्टाइल में माफी मांगी, उन्हें एक पीला फूल देकर। ओह, मैं तो सोच रही थी तुम उसको लाइन मार रही थी। मारिया, मुझे मेंटल मत करो। समी, एक मिनट यहाँ आओ, एक मिनट। ये पुलिस यहाँ पर क्यों आई थी? नहीं, वो पुलिस ऑफिसर को हम जानते थे ना, इसके लिए पूछ। कल लिंटा ने प्रोफेसर रविंद्र जी का अपमान किया था, वही पूछने के लिए पुलिस आई थी। थैंक यू भैया। सर, एक पुराना तालाब में है, गाड़ी में कोई नहीं है सर। हाँ, वो मैं देखता हूँ सर। हाँ सर, यस सर। हाँ ओवर। अनवर, ये कार यहाँ तालाब में आकर कैसे गिरी? मेन रोड तो यहाँ से काफी दूर है। सर, कार गिरते हुए किसी ने नहीं देखा है, यहाँ के लोगों ने भी कुछ नहीं देखा है, यहाँ के पूरे इलाके में किसी को कुछ नहीं मालूम सर। ये क्रेन की मदद से सर इस कार को बाहर निकाल रहे हैं। आइए देखिए सर। फेरी सर्विस। एक्सीडेंट हुआ होगा सर। हो सकता है। तुम एक काम करो, ये नंबर नोट करो। यस सर। हरी सर, फोटो निकालो। विवेक की माँ? क्या बात? विवेक यही है ना? जरा उसे अंदर से बुलाओ।
बेटा ये KL7V3016 तुम्हारी कार है? जी। तुम्हारी कार अभी किधर है? ए, तालाब से हमें एक कार मिली है, है? पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाएगी, ऐसा सोचा तूने? अभी सब समझ में आया ना? बात क्या है जरा खुल के बता। सर वो मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी कार चोरी हो गई थी सर। कब, कहाँ से हुई? कॉलेज से आकर सर मैंने रात में खड़ी कर दी थी और सुबह उठ कर देखा तो कार वहां पर नहीं थी। मैंने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया था उसी दिन। कौन सा पुलिस स्टेशन? यहीं के लोकल पुलिस स्टेशन में। तावड़े को बुलाओ। सर कितने बजे इन्फॉर्म किया? करीब 3 बजे। और तुमने तो बताया था कि उस दिन रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। नहीं सर, जब मैंने बाद में जाकर देखा तो नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ। तो अब ये किसका कार है? तुम्हारा है ना? हाँ सर, ये अभी मैंने खरीदा है। रेडी कैश? आओ। चलाने वाला कार खो गया था ये कहकर तो तुम रो रहे थे, चलो मान लिया। पर क्या हुआ? कंप्लेन किया है सर। खो गई कार का रिजल्ट आने से पहले ही रेडी कैश अरेंज करके ऐसा नया मॉडल का कार भी खरीदा तुमने, वेरी गुड। फिर भी हमें कुछ बातें करनी है तुमसे, चलो सर। तावड़े सर, क्या है सर? कहाँ ले जा रहे सर? अरे मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे? Damn it, जरूरत के समय कोई नहीं मिलता। Shit, मेरे एडवोकेट अंकल को ट्राई करके 1 घंटा हो गया है। It's switched off. अब वो वहाँ जाके पता नहीं क्या क्या बोल रहा होगा। वो भी इसके जैसा worst case है। Mind your words, मजाक करने का समय नहीं है। Then why shouldn't we call the police station? क्यों क्यों? उसके जैसा हमें भी धमकाने के लिए? Don't be that brutal. वो सिर्फ क्यों झेले? वो अगर एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को सब कुछ बता देगा तो व्हाट विल बी द पनिशमेंट? वो हमें क्या कर सकते हैं? हे लुक, विवेक आ गया। विवेक सी दिस इज द लिमिट। तुम लोगों ने सब कुछ किया और पुलिस मुझे घर से ले गई। मालूम है कितने सारे इल्जाम लगाए उन लोगों ने। वो तो नसीब से मैंने कार खो जाने की कंप्लेन करवा दी थी तभी मैं बाहर आ पाया। मैं अपने मम्मी डैडी को क्या रीजन बताऊंगा? सी आई कांट सफर दिस एनीमोर। मैं सच्चाई बोले जा रहा हूँ। विवेक देखो मैडम, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मुझे माफ करो, मुझे जेल नहीं जाना है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ए, जेल के बारे में बोल के हम लोगों को डराना मत। मारिया। Yes, I know, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों के लिए कुछ नया नहीं है। तुम्हें पुलिस वाले जितने टेंशन नहीं दिए ना, उससे ज्यादा मैं तुम्हें देती हूँ। तू मुझे टेंशन देगी? अब तुझे मैं बताता हूँ कि टेंशन क्या होती है। अब मैं तुझे टेंशन दूंगा। What are you going to do, man? Come on, hit me. तेरे हाथ में बहुत दम है क्या? हिम्मत है तो हाथ उठा के देखा, मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। तू अपने आप को समझता क्या है? मारिया, this is too much. तुम होश में तो हो जाओ, चाहे पके जा रही हो। तुम होश में आ जाओ, ये बर्बाद कर देगा। विवेक चलो यहाँ से। अब तुम्हें समझ में आया अपने जिगरी दोस्तों के बारे में? जब मैं तुम्हें बताता था तो तुम हजार बातें मुझे बताती। विवेक तुम हमारे बारे में ऐसी गलत बातें मत करो। लिंडा सब लोग देख रहे हैं, दिस इज नॉट अ बार झगड़ा करने के लिए, दिस इज अ कॉफी शॉप, ओके स्टूपिड। विवेक लीव इट, तुम पे कोई भी मुसीबत आएगी ना तो मैं देख लूंगी। दैट स्टूपिड सेज नथिंग इन फ्रंट ऑफ माय एडवोकेट अंकल, प्लीज यू कैन बिलीव मी। ओके सॉरी लिंडा, सॉरी डियर, बस मूड में बोल गई, सॉरी। अब किस बात की सॉरी? जो बोलना था तो बोल चुके, अब सॉरी बोलती हो? ठीक है, मुझसे कोई बात मत करो, ठीक है, जस्ट लीव मी अलोन। लिंडा ये क्या नाटक कर रही हो? आर यू मैड? यस आई एम मैड, मैं पागल हो गई हूँ। तुम सब ने मिलकर मुझे पागल कर दिया है। मैं समझ गई, मेरा और विवेक का साथ तुम लोगों को पसंद नहीं। हाँ तुम कौन हो? रिजर्व बैंक के गवर्नर? कुछ भी बोलती हो, पैसों का घमंड है? हाँ हे लिंडा कूल डाउन यार, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? नहीं चाहिए आप लोगों की दोस्ती, मुझे नहीं चाहिए। तुम लोग कुछ भी सोचो, मी एंड विवेक विल नेवर सेपरेट। तुम लोगों के साथ इस कमरे में कभी नहीं रहूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी।
नो अतीरा, नहीं चाहिए, उसे मत रोको, उसे जाने दो। हेलो विवेक, सर हम स्पॉट पे हैं और छानबीन कर रहे हैं। सर हम स्पॉट में हैं सर। ओके सर, मैं यही हूँ, ओवर। नमस्ते सर। वो आदमी कौन है? यहाँ का सिक्योरिटी भद्र। ये लड़की जिसकी मौत हुई है वो कैसी थी? अरे बहुत अच्छी लड़की थी सर, हमको बहुत प्यार करती थी, उसे क्या हो गया मुझे? इस लड़की के माँ बाप को खबर दिया क्या? मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, वे लोग मलेशिया में हैं, आने के बाद ही पता चलेगा। उनका रूम थोड़ा दिखाइए। ओके, ठीक है सर। अच्छा यही है क्या वो एनआरआई गैंग? तुम लोग सब मिलकर यहाँ एक ही रूम में रहते थे क्या? सर प्लीज अभी इनसे कुछ मत पूछिए। वर्डन आप थोड़ा चुप हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। कल रात को तुम लोग का आपस में क्या प्रॉब्लम था? जो पूछा वो नहीं सुना क्या? नहीं तो बुलवाना मुझे आता है।
सर वो लड़की अगर छत से कूद के मर गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? आत्महत्या किया तूने ही पुलिस को बताया ना, तूने ही उसको ऊपर से फेंका है। नहीं सर। तुमने एक भी आवाज नहीं सुनी क्या? तुम्हारा और क्या काम था उधर? सच सच बता, बोल साले। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। तेरे को कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम तेरे को। पता साले, बोल बोल। छोड़ो इसको, बता छोड़ो इसको। पता क्या हुआ तुम्हारा? और मारोगे तो मर जाएगा। इसका स्टेटमेंट लेकर छोड़ दो, बाद में बुला लेंगे। अब्बास साले इधर चल, साले तू भी चल इधर चल। लिंडा की मौत की रात आप कहाँ थे? याद नहीं आ रहा क्या? मैं सो रहा था सर। आपने कोई आवाज नहीं सुनी क्या? कहाँ से सुनूंगा सर, सुबह 3 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे तक सोता हूँ, इस बीच में क्या क्या मांगे होती है, मैंने कुछ नहीं सुना सर। तुमको दारू पीने का शौक है क्या? मेरा मन तो करता है लेकिन किसको बोलूं, कहां से मिलेगा सर? अच्छा बताओ, तुम्हारी राय से ये मौत कैसे हुई? वो दुर्घटना ही हुआ होगा। वो कैसे आप बोल सकते हो? वो लिंडा बेटी बहुत देर से टेरेस पे खड़े होकर फोन कर रही थी, वहाँ फिसलन थी, पैर फिसल गया होगा। तुमने उसको धक्का दिया होगा। नहीं, 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 सर आप मुझे ऐसा मत कहिए। इसे फिर से लॉकअप में बंद कर दो, ले जाओ इसे। अगला कौन है? सर्वेंट है सर। हेलो, तुम अभी कहाँ हो? स्विमिंग पूल में है मैडम, बोलिए। CI का फोन आया था, उनको आप लोगों से कुछ पूछना और जानना है। नो, हमें किसी को कुछ कहना भी नहीं है और किसी से मिलना भी नहीं है मैडम। क्या हुआ? What's the matter, Sammy? अंकल? सर, वो 10 लड़कियों का दिल एक ही जैसा है, उस शौक से अभी तक उन लोग निकल नहीं पा रहे हैं। एक लड़की अभी अनकॉन्शियस है, अभी तक हॉस्पिटल में है। ऐसी स्थिति में वो लड़कियां आपको कुछ बता पाएंगी मुझे नहीं लगता, सो प्लीज। सोचने से सब सही नहीं हो जाता मैडम। अभी जाके उनको बुलाइए। आई एम एडवोकेट सनी कुरियन, मालूम है मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मालूम है मैं कुछ लड़कियों का लोकल गार्जियन, आप उन सबको तकलीफ दे रहे हैं सुन के मैं यहाँ पे आया हूँ। ये मामला हमारी इज्जत का सवाल है। हाथ से बहुत से होते हैं इंस्पेक्टर, ये हमारे घर का पर्सनल मामला है, मैं इसलिए कोर्ट ऑर्डर का सिटिंग छोड़कर आया हूँ। सर SP। सर हाँ, तुम वहाँ जाकर कोई भी गड़बड़ मत करो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे। ओके सर। वहाँ से तुरंत वापस आ जाओ। ओके सर। CI को अंकल ने भगाया ना? That's good. कहाँ दिखाओ? Show me the mobile. इस फोन के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। हमने जो मोबाइल बदली किया वो बेकार में नहीं था, हम फंस जाते। विवेक का अगर कोई मैसेज एक्सीडेंट के मैटर के बारे में होता तो पुलिस को हम पे शक हो जाता और पूछताछ होती। लिंडा का मोबाइल किसके पास है पता लगाना पड़ेगा। हो सकता है विवेक के पास ही वो मोबाइल है और वही मिस्ड कॉल कर रहा होगा। जी, पागल जैसा बात मत करो। नहीं, वो सही बोल रही है, वो फ्यूनरल में नहीं आया था, उसका फोन अभी भी स्विच्ड ऑफ है। मेरी बच्ची है, उसके बारे में बोलना पड़ेगा। गुस्से में हाथ पांव चलता था, देखी है इसलिए बोल रही है, नहीं तो मैं क्यों बोलूं। बहुत पैसा भी था और वैसा ही गुस्सा भी, दिमाग से काम नहीं करती थी, मैं तो घबरा जाती थी, वो तो कुछ भी करती थी। ये लिंडा भी वैसी ही थी ना? वो मरकर तो ऊपर चली गई, फिर भी बिना बोले नहीं रह सकती। वो सोचती थी कुछ और करती थी कुछ और। बस करो, तुम दोनों के बीच में भी कुछ हुआ था क्या? हाँ, मेरे साथ प्रॉब्लम किया था। लिंडा मोबाइल फोन यूज करती थी ना? फिर क्या, वो 24 घंटा फोन पर ही लगी रहती थी। उसका किसी लड़के के साथ कोई संबंध था क्या? मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट थे, हो सकता है ना। ओके, मैं फोन करती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। एडवोकेट अंकल, वो CI हमें आराम से बैठने नहीं देना चाहता। हमारे इंक्वायरी करने के लिए DIG से ऑर्डर लिया है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो हो रहा है ना होने दो। Thank you.
लिंडा छत से गिरकर मरी होगी मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसके छत पे जाने का तो कोई कारण ही नहीं था। अगर उस रात विवेक आया होगा तो मुझे तो लगता है विवेक ने ही उसको धक्का दिया है। तो लिंडा डरे हुए कुछ भी करती थी वो, उसका नेचर था, इसके लिए हम उसके पीछे नहीं गए सर। इसलिए तुम लोगों ने उसको रोका नहीं? वो बात ऐसी है सर, इससे पहले भी हो गई थी, इसके लिए हम लोगों ने कुछ नहीं कहा उसे। वो ऐसा बोलती थी इसलिए, इसका मतलब हादसे के दिन किसी और को देखने का चांस हो सकता था, मेरा मतलब किसी आदमी के साथ। हां, व्हाट आर यू टॉकिंग रमेश? इंस्पेक्टर अब आगे सवाल मत पूछना सर प्लीज। हां तुम बोलो। वो कभी क्लासमेट के रूम में सोनी चाहती थी, नहीं तो वार्डन के रूम में सोनी चाहती थी। हम पूछे तो आपने बताया नहीं। कल रात को जब आपने पूछा था तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर कहां से लिंडा प्रेग्नेंट हो गई बोलिए आप? क्या प्रेग्नेंट? यस, ये सब कहानियां पुलिस नहीं बना रही है, एज पर द मेडिकल एविडेंस एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आप क्या बात कर रहे हैं? चेक करने और प्रश्न पूछने के लिए अनाथ बच्चे नहीं है। मैं जरा पूछ लूं, वाज शी इंटरेस्टेड इन डेटिंग? Come on, tell me. हमारा एक कॉमन फ्रेंड था विवेक, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। विवेक? उसके पेरेंट्स भी लिंडा को बहुत चाहते थे। अच्छा, तो लिंडा के पेट में जो बच्चा पल रहा था, हम बोल सकते हैं कि वो विवेक का दान था। क्या कहा? What do you mean? खाकी वर्दी के बल पे कुछ भी बोल सकते हैं क्या आप? Mr. Prosecutor, you are exceeding your limit and objecting our duty. लिंडा तो मोबाइल यूज करती थी। कुछ दिन पहले वो मोबाइल उसने कहीं घुमा दिया था। कब, कहां से? वो लास्ट संडे, कहां रखी थी हमें मालूम नहीं। क्या वो लड़की तुम लोगों से कुछ नहीं बोली? नहीं। तो तुम लोगों ने कस्टमर केयर को इन्फॉर्म नहीं किया नई सिम के लिए? नहीं, वो उसके नाम पर नहीं था, विवेक के नाम पे था। तो फिर लिंडा दूसरा फोन नहीं ली क्या? नहीं, दूसरा लेने की बात कर रही थी वो। तो तुम लोगों ने तो कहीं छुपा के नहीं रखा था? ये एक प्लान्ड मर्डर है, ये हम पुलिस की भाषा में बोलते हैं। तो फिर ये किसने किया सिर्फ ये बताइए। आप पुलिस हो, इनसे पूछने से क्या मालूम पड़ेगा आपको? पुलिस वाले हो, खुद जाके जांच करो। इनके ग्रुप में किसी को कुछ नहीं मालूम है, ये लोग हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? ये क्या इंसाफ है? इसमें क्या है, जो मिले उसे मत छोड़ो। मिस्टर प्रोसिक्यूटर सर, कंट्रोल रूम से मैसेज है। कोबरा आंसरिंग ओवर। रेलवे स्टेशन पे एक एक्सीडेंट हुआ है, ओवर। जेवियर, एक इमरजेंसी आया है, आप इनका स्टेटमेंट लेके आ जाना। सर चलो। सर एक आईडी कार्ड। विवेक अरविंदाक्ष, सेक्रेट हार्ट मेडिकल कॉलेज। लिंडा के बाद अब विवेक, अब कौन होगा नेक्स्ट? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसने मारा होगा लिंडा को? कौन कर सकता है ऐसा? मुझे तो ऐसा लगता है हमें बिना मालूम हुए कोई हमारा पीछा कर रहा है। हो सकता है जो हमारे कार के पीछे ब्लैक डाल या लेटर लिखा था, वहीं से कुछ ना कुछ पता चल सकता है हम लोगों को। This is from Linda's old number. It's engaged. Fit try karo na. No. क्यों
डर गई? जब एक स्टूडेंट अध्यापक को देखते हैं तो चौंक जाते ही है। तुम सब घबराओ मत, मैं खुद से चलकर यहाँ नहीं आया हूँ। मेडिकल कॉलेज की तरफ से हार्ट थ्रॉब्स यूनियन से ड्यूटी डॉक्टर हूँ। आई डोंट माइंड, तुम लोग भी ध्यान मत दो। लड़कियाँ जो तुम्हारे ग्रुप के हैं, तुम लोग मानो या ना मानो, जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट हैं। यही हकीकत है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। लिंडा ने काफी बार मुझे इंसल्ट किया था मरहूम के बारे में। वैसे तो गलत बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं गलत नहीं बोलता। क्या क्या गलत काम किया है। बच्ची तो मर गई है, लेकिन पुलिस बता रही है कि मरने से पहले वो प्रेग्नेंट थी। एनीवे, हाउ आर यू अथिरा? आर यू फीलिंग गुड? मत छूना, छूना मत मुझे। हमारे बारे में बेकार की बातें करने वाले आप कौन हैं? अथिरा, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एडवाइज यू। नहीं, आपके एडवाइस हमें नहीं चाहिए। सिस्टर, सिस्टर, क्या 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 हुआ? इसको बाहर जाने के लिए बोलो। प्रीपेड होने के कारण सिम कार्ड ऑन ही रहेगा। आप नया कार्ड ले सकते हो, फिर पुराना कार्ड ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। अगर सब्सक्राइबर नहीं आए तो लास्ट रिसीव कॉल या फिर डायल आउट नंबर ले सकते हैं। हम उसका पता करके आते हैं शाम तक। कम अंदर मत आइए। लीव इट जसी, वो तो बोल रही है ना, शी वेंट टू कलेक्ट द मेडिसिन। लीव इट। नहीं मैडम, जो प्रोफेसर यहाँ पर आया था इसे मैंने कहा था, पूछिए हाँ या नहीं, पूछिए पूछिए, समझना चाहिए था ना इसे। अकेला छोड़ कर चलेगी उसको, क्या हुआ पता चला ना। स्टॉप इट कहेगी। अच्छा मेरी बच्ची, हम लोग उधर बैठते, रो मत, चलो। अंकल, मैंने आथिरा के पेरेंट्स को बोल दिया है, वो आज निकलेंगे वहां से। यहाँ पत्रकार, टीवी के लोग और पुलिस सब लोग हैं। वो बस नहीं है क्या, तुम सब कॉलेज में हो ना, तुम लोग क्लास छोड़कर यहाँ मत आना। हाँ मैं समझती हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया था, डैडी को बुलाकर मुझे फोन करने को बोली ना। उसमें क्या, मैं अभी उनको तुम्हें बुलाने को बोलता हूँ। ओके अंकल, गुड नाइट। गुड नाइट। ए समी, वेयर इज श्रद्धा? वो आई नहीं क्या? नहीं, शायद तुमने उसे डांटा होगा इसलिए नहीं आई। श्रद्धा, 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 क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? श्रद्धा, वो तो तभी चली गई थी, उसको गए हुए कम से कम एक घंटा हो गया है, क्या अभी कमरे में नहीं है? हमें लगा कि वो यहाँ ही होगी। ठीक है रुको, मैं टॉर्च लेकर आती हूँ। हमारी श्रद्धा रूम में नहीं है, तुमने देखा क्या? मैंने नहीं देखा। तुम कहाँ थे, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? हाँ, मैं नीचे कमरे में था मैडम, मेरे फैन का स्पीड कम है इसलिए पसीना आ रहा हूँ। अच्छा चलो। श्रद्धा, 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 Mr. Anwar, you have any prime suspects? Sir, वो No, no. Come to the main point. I want clear and confident answers. Sir, आपके सर्कल में ये खून हुए हैं, हंगामा इतना बस है क्या? नहीं सर। सर, इसके लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं सर। कुछ भी हो, take this case as a challenge. सर, एक ही कॉलेज के, एक ही हॉस्टल की लड़कियां हैं,
क्या होगा मोटिव? सर अभी तक हमें कुछ सुराग नहीं मिला है। वो लड़कियों को जब पूछताछ किया तो कुछ नहीं मिला? सर वो लड़कियां बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, उनमें से एक का लोकल गार्जियन हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर सनी कुरियन है। ओहो, सर विवेक का बाइक एक्सीडेंट हुआ था ना? एक ही वार में मारा है सर, लेकिन उसमें भी हमें कुछ डाउट दिख रहा है सर। ओके, विवेक का बाइक का रिकॉर्ड ऑफिस में लेके आइए, मैं देखता हूँ। सर अनवर, सर ने जो बोला वो सुना? सर वी हैव टू रिएक्ट इमीडिएटली, अगर ये केस जल्दी से सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग गए काम से, जिंदा रह के कोई फायदा नहीं है। सोचो अभी क्या करोगे? क्या करें, कोई भी आदमी हमारी मदद नहीं करता है। हाँ वो सब रहने दो, जितना जल्दी हो हमें खूनी का मोटिव समझना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। पर मैं नकली नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आपने मैंने उसको अकेले ही पकड़ा। आपको छोड़ क्यों नहीं रहा है? उसको छोड़ाने के लिए होम मिनिस्टर को आना पड़ेगा। उसको बंद किया? अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है अभी। सर प्लीज आप थोड़ा मदद कीजिए। सर आप कुछ भी बोलिए, अगर आपको गेट खुलवा कर सीआई को बाहर लेकर आना है तो होम मिनिस्टर को चल कर आना पड़ेगा। दो खून हुआ इस हॉस्टल में, मजाक है क्या? यही आदमी ने एक लड़की को कल गला घोट के मारा था, जब तक फैसला नहीं हो जाता हम यहाँ से किसी को भी नहीं जाने देंगे। मिस्टर मानिकचंद, आप यहाँ के एमएलए हैं, आप चाहे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर इसको ऐसा बंद करके रखेंगे तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। थोड़ी इधर आइए ना, बात ऐसे है कि मेरा इसमें इंटरफेयर करना अच्छा नहीं होगा, और दूसरी बात कि अभी तक ये हॉस्टल में तीन तीन खून हुए हैं, वो सिर्फ नहीं वायलेशन सामने खड़ी है। बहुत लोग हैं, होम मिनिस्टर के आने की मांग कर रहे हैं, एमएलए भी वही जिद कर रहा है। ओवर। और फोर्स चाहिए? अभी मैं सिचुएशन कंट्रोल करता हूँ, और फोर्स चाहिए तो बोलता हूँ, डीआईजी को इन्फॉर्म करता हूँ। ये हमारी गलती है, इस आदमी को हम बचा रहे हैं ये हमारी बदकिस्मती है। इन्वेस्टिगेशन, इस एक आदमी के कारण हम सब तकलीफ में आ गए। इसको हॉस्टल में घुसने की क्या जरूरत थी और इसे हम क्यों बचा रहे हैं? अगर डीआईजी पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? सर इसको चुपचाप अंदर जाने के लिए क्यों बोला था तुम लोगों ने? पुलिस कुछ भी कर ले कोई पूछने वाला नहीं पुलिस को, ऐसा सोचा था क्या? क्यों, क्या सोचकर हजारों प्रश्न पूछ रहे थे तुम लोग? बोलो, इन्हीं लोगों का आदमी यहाँ पे मुजरिम बन के खड़ा है, कुछ भी मिला उसके पास? अब तुम लोग उसको बचाने पे तुले हुए हो यहाँ पे? वकील बस करो, वहाँ पे कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ, उसको अपराधी बनाएंगे क्या? अपराधी बनाया? अरे वो तो एक पक्का क्रिमिनल है। वकील अपना एडवाइस कोर्ट में रखना, पुलिस से मत भिड़ना। तो क्या हुआ, आर्मी भी होगी ना तो भी बोलूंगा। यहाँ पे आखिर बोलो प्रॉब्लम किसको हो रहा है? मैं चाहूंगा तो एक मिनट में यहाँ पे भूत और शैतान भी बोलने लगेंगे। पुलिस के नाम से डराना नहीं मेरे को। सर अपने आप को क्या समझते हो? छोड़ो छोड़ो, हाथ नहीं लगा देगा, छोड़ो ये हाथ नहीं लगा देगा। नहीं मैडम, जनता अलाउ नहीं कर रही है। जनता का परमिशन चाहिए? ऑफिसर्स को जल्दी रिलीज कीजिए, बच्चों जैसी बातें मत कीजिए। इतनी पुलिस यहाँ खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है क्या? पब्लिसिटी के लिए? इस गेट की चाबी कहाँ है? कहाँ है चाबी? सुनिए, ये चाबी हमारे पास है, लेकिन ये खूनी सीआई को बाहर निकालना है तो होम मिनिस्टर को आना पड़ेगा। होम मिनिस्टर तुम्हारा बाप है क्या जो उनको यहाँ बुलाना पड़ेगा? ऐसे धमकी देके कुछ नहीं होने वाला मैडम, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पुलिस को धमकी देता है, पकड़ के इसे अंदर डालो। अरे ये सही नहीं है। यहाँ के एमएलए हैं सैगल साहब। ओह तो ये आपका आदमी है क्या? अगर इसको छोड़ना है तो पहले होम मिनिस्टर को आना पड़ेगा, मालूम है? आपको अच्छी तरह से पता है वो यहाँ पर नहीं आएंगे। वो लेकिन लुक,
आपको और भीड़ को मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि जल्दी से ये गेट खोला जाए। मैं इज्जत से कह रही हूँ, आप खोलते हैं या मैं खुलवाऊँ? मैडम, इज्जत से बात करना सीखिए। चुप रहिए आप। मुझे कैसे क्या करना है ये आप मुझे सिखाएंगे? मैडम, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चाहे कोई भी हो, गेट खुलवाइए। तेरी वजह से ये सब नाटक हुआ है। चल साले। तीन दो 2009 को जो दंगा हुआ था, होम मिनिस्टर को दी हुई ये रिपोर्ट है। बैठो बैठो प्लीज, सब लोग बैठ जाओ। अगर आपस में हम बहस करते रहे तो रात भर इस समस्या का हल नहीं होगा, वो हम सबके लिए तकलीफ हो जाएगा। पहले जो बैठे हैं उनका सुनते हैं। सर, हमें आज तीन विषयों पर चर्चा करना पड़ेगा। पहला, उस हॉस्टल में चार लड़कियों की मौतें हुई हैं। अगर वो आत्महत्या है तो क्या कारण है उसका? दूसरा, अगर खून हुआ है तो उसका कारण क्या है? इस विषय पर पुलिस ने कौन से कदम उठाए हैं? तीसरा, ये सब खून जो लेडीज हॉस्टल में हो रहे हैं, वो पुलिस वाला वहां पे गया क्यों? उसके जाने का कारण क्या था? किसके ऑर्डर पे ये सब हुआ है? जब पुलिस वाला वहां पे पकड़ा गया और उसे हॉस्टल में बंद किया गया था, DYSP के निगरानी में बंद किया गया था उसे, और उसे पकड़ा था और जोर जोर से मारा भी गया, और MLA के पूछने पर MLA को भी पुलिस ने गुंडे जैसा बर्ताव किया, ये DIG को परमिशन किसने दिया बताइए? इसका जवाब देना है आपको, देना है। इस सवाल का जवाब देने के अलावा पुलिस के पास बहुत सारे काम है। पुलिस अपना फर्ज निभा रही है या गुंडागर्दी कर रही है, ये बात कहने का अधिकार इसे किसने दिया है? पुलिस सर्विस में जवाब सिर्फ होम मिनिस्टर को दिया जाता है, ये आदमी भूल गया है क्या? ऐसा आप नहीं बोल सकते, ऐसी बातें नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बैठो बैठो, मैं बोलता हूँ। पहली बात ये कि ये व्यक्ति कौन है और इस व्यक्ति का मोटिव क्या है और इन लोगों से इसकी क्या दुश्मनी है, और इन सब बातों को छोड़कर इस कॉलेज में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर, किसी डिपार्टमेंट में एक छोटे ओहदे पे काम करने वाले एक इंसान ये सब कुछ करवा रहा है, ये सब हम पुलिस वालों का मानना है। उस CI के बारे में आपको क्या बोलना है? साधारण समय में CI को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन लड़कियाँ क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे रही थी। वो लोग रूम में क्या डिस्कशन कर रहे थे ये जानने के लिए वो वापस वहाँ गया था। आपको विश्वास दिलाने के लिए नहीं है, वो आदमी हमारे ऑब्जर्वेशन में था। फिर ये DIG क्यों सपोर्ट कर रही है उसको? Because they are my subordinates and I have to protect them. मैं बोलता हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। वो CI कुछ भी सफाई दे, वो न्याय बाद में देखेंगे। सिर्फ लड़कियाँ रहने वाली हॉस्टल में रात को दीवार कूद के जाना सही है क्या? इसके अलावा DIG सिक्योरिटी को पकड़ के मारना सही नहीं था, ये एक पब्लिक इश्यू हो गया है। अभी उस CI से केस वापस लेके एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। अब इतना मिस्टीरियस मर्डर जो हो रहे हैं, अब इसका इन्वेस्टिगेशन IG रैंक से ही होना चाहिए। कितना समय चाहिए जल्दी बताइए, अभी मुझे जाना है। मैक्सिमम 1 month सर। नो, 15 days, इसके पहले ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए। क्या ठीक है? हाँ ठीक है, मिनिस्टर निकल रहा है। डोंट वरी, टेक इट एज अ चैलेंज सर। ओके, देन व्हाट अबाउट द फॉरेंसिक रिपोर्ट? कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन है मैडम। ओके, IG को बोलती हूँ। ओके मैडम। So, आपने क्या सोचा है? अरे इसमें सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने जो बोला है आपके अच्छे के लिए बोला है, जस्ट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी। मतलब ये कि चार पुलिस स्टेशन के इंचार्ज CI मेंटली फिट नहीं होने की वजह से ड्यूटी नहीं कर पाए। मैडम जो बोल रही हैं वही सही है, पॉलिटिशियंस हमारे सिर पर खड़े हैं वो सही नहीं है। अगर तुम हट जाते हो तो उनका नाटक बंद हो जाएगा। यू गॉट द मेमो राइट? सो यू टेक लीव एंड कलेक्ट द नेसेसरी पेपर्स। मिस्टर अनवर, इस केस से आप इमीडिएटली हट जाइए। ओके ओके मैम। सी, इन दोनों रिपोर्ट में मरे हुए लिंडा के नाखून में जो स्किन मिले हैं और खून का एनालिसिस किया हुआ है। देखो, इस रिपोर्ट के अनुसार ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, स्किन नॉट डिटेक्टेबल,
हेयर सैंपल मेल का है। ठीक वैसे ही जिस जगह पर विवेक का बाइक एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से मिले ब्लड सैंपल्स के मुताबिक मुझे कुछ यकीन नहीं होता। उसमें तो ये लिखा है कि ब्लड किसी जानवर का है। और तीसरा रिपोर्ट समथिंग इंटरेस्टिंग, दैट्स आर्थरस ब्लड सैंपल्स। उसके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाया गया है। अगेन श्रद्धा को सिगरेट बर्ड से जलाया गया है। उसका डीएनए और बाल का डीएनए एक है। ठीक वैसे ही लिंडा के लाश की जगह से मिला हुआ बाल का डीएनए और श्रद्धा के लाश के सामने मिला हुआ डीएनए एक ही। सो मुझे पता करना है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे खून एक ही आदमी ने किया है, ये कंफर्म है क्या? सस्पेक्ट का बाल यही है कि नहीं हमें कंफर्म करना पड़ेगा। हॉस्टल के मेल सर्वेंट के बाल का डीएनए और हमारे पास के डीएनए मैच हो जाए तो सहायता हो सकती है, कारण वो आदमी 24 घंटे वहीं रहता है। हॉस्टल में नहीं रहने वाले आदमी के बाल का डीएनए है, जो बाल का डीएनए हमारे पास है तब हम दावा नहीं कर सकते हैं ये दोनों एक ही आदमी ने किया है, ये सच है। ये इंसुलिन का लेवल खून में ज्यादा होने की वजह ये रेयर है। और लेकिन एक बात बताती हूँ, ये जानबूझकर कोई ऐसा कर रहा है। वन सेकंड। यस, उस लड़की को जो ग्लूकोज इंजेक्ट किया था उस बॉटल में इंसुलिन का ट्रेस था। हाँ, एक बात मैं दावे से कह सकती हूँ, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है, ये कोई पागल ही कर सकता है। मे बी अ जीनियस स्पेशलाइज्ड इन सीरियल किलिंग, अलग अलग तरीके जाने वाला, ये सब खून में दिखता है और जल्दी से पता नहीं लगाते तो ये और भी खून हो सकते हैं। हो सकता है अपने नए शिकार के लिए अभी से तैयारी कर रहा होगा, मुझे तो यही लग रहा है। वो लड़कियां अभी यहाँ हैं? नहीं है, उनके लोकल गार्डन ने उन्हें बुलाया था। विवेक एक मेडिकल स्टूडेंट था, है ना? उस कार की कहानी एक क्वेश्चन मार्क की तरह शक को जगाता है। मेरा मानना है कि वो लड़कियां जवाब देने में हमारी मदद नहीं कर रही, सच है ना? यस मैडम। ये क्या काम कर रही है? ये कोई तरीका है क्या? हमारे बच्चे अंदर है क्या? सर है ना। वो मुझे सही ढंग से जानते नहीं है, चल रहे। अब ये टॉर्चर नहीं सहेंगे। ये क्या चल रहा है? समझाएंगे, हम देखेंगे। डीआईजी आ रही है, किसी को अंदर मत आने देना। मैडम सुनो, किसी को अंदर मत भेजना, इधर तुम खड़े रहो। होम मिनिस्टर को बुलाना पड़ेगा। हाँ मैं एमएलए बोल रहा हूँ, होम मिनिस्टर को दो। तुम लोगों को बचाने के लिए बाहर एक पूरी की पूरी जमात खड़ी है। होम मिनिस्टर का पॉलिटिकल सेक्रेटरी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मेयर का छोटा भाई, सबके सब बिग शॉट है। देखा, उनका फोन भी आ गया। हेलो, हेलो। लेकिन किसी को भी तुम लोगों की मदद नहीं करने दूंगी। तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। मैडम हम लोगों ने कुछ नहीं किया मैडम। फिर तुम लोगों के चेहरे पे इतना डर क्यों? डर गई तो इधर आ। दिखने में तो तू एक अच्छे खानदान की लड़की दिखती है। डिस्को में जाके मौज मस्ती करना, शराब पीना, ड्रग्स लेना, किसने सिखाया तुझे? इन लोगों ने या जो लोग अभी तेरे साथ नहीं है? पुलिस को देखकर भागता है। विवेक की गाड़ी तुझे पता है ना,
उसकी कहानी की राज बिना कुछ सोचे समझे जल्दी बक मुझे। मुझे कुछ नहीं मालूम सर। मुझे सब कुछ मालूम। विवेक की कार घर के गैराज से उस रात को चोरी हो गई, यही कहानी है ना? वो कार घर पर नहीं पहुंची, ये सही है ना? हाँ जी सर। रघुचंद्रा। यस मैडम। ये किसका सिग्नेचर है? सही बोल, ये एड्रेस किसका है? ये कार का नंबर उसी का है ना? उस रात को 12 बजे के बाद बाईपास में शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, पुलिस का चलान रजिस्टर बुक में एंट्री है, तब विवेक के कार में तुम भी तो थे। हम लोग थोड़ा जाके देखते हैं। चुप रहिए, इंक्वायरी खत्म होने दीजिए। बताओ उस रात को आखिर हुआ क्या था? चल सही सही बता, सही सही बता, नहीं तो मत करो। हाँ सर, इन लोगों ने प्रॉब्लम किया था। तो फिर इनके सामने ही बोलो। बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, बी केयरफुल। हे हे समीरा, तुम पागल हो गए क्या? क्या कर रही हो तुम? मेरी कार? डोंट वरी विवेक, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, जस्ट एन एक्सीडेंट। उसके बाद कार तालाब में गिरकर गायब होगी, दैट्स ऑल। ये क्या पागलपन की बातें कर रही हो? मेरी कार तुम तालाब में डालोगी? यस, सिर्फ कार नहीं, ये डेड बॉडी भी साथ में। तेरी इस पुरानी कार की कोई भी कीमत मैं दे दूंगी। Hey, don't try to buy me with your money, okay? Cool down. वो जो बोलती ना करके रहेगी, लीव इट। विवेक, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम सब बच जाएंगे। विवेक, just listen. समीरा जो बोल रही है वो सही है, इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम मान लो ना प्लीज। प्लीज हाँ बोलो। Then hurry up girl, come on Linda. चलो चलो। मरा हुआ इंसान कौन था तुम लोग जानती हो? नहीं मैडम, मैंने उसी वक्त कहा था पुलिस को इन्फॉर्म कर दो मैडम। हमसे गलती होगी मैम, प्लीज बचा लीजिए। घबराओ मत, मरे हुए के बारे में अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, मिसिंग केस भी रजिस्टर नहीं हुआ है, इसलिए हम इस केस को प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। बट वन कंडीशन, यू ऑल हैव टू सरेंडर योर पासपोर्ट्स। और एक बार, कोई भी कभी भी किसी वजह से ब्लैकमेल करने के इरादे से फोन में धमकी देने की कोशिश की? नो मैम। इस हादसे की वजह से तुम लोगों में से 4 लोगों की एक एक कर हत्याएं हुई है, अब तुम लोग संभल के रहना। इन सबका स्टेटमेंट ले लीजिए और इनके लोकल गार्जियन को बोलिए कि जमानत दे। यस मैडम, चल रहे। अरे उसको दूसरा जन्म लेना होगा, मुझे यहाँ आए हुए पूरे के पूरे 22 साल हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए। मैंने बहुत सारे IAS, IPS और IFS को देखा है। अरे यहाँ पे कोई भी आए, तुमको क्या है? अभी मेरे घर में मेरे साथ हैं, अभी उनको कोई तकलीफ नहीं है। तुम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को देखो। गुड नाइट। अमेरिका से था ना, बहुत बड़ा समस्या दिखता है। इतने सालों से जो रहता है उसको छूने से क्या होता, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। हमारे बच्चे ने खाना खा लिया क्या? उनको कुछ नहीं चाहिए। मैं भी एक पैक ले ले। चिकन चाहिए। सर वहाँ कुत्ता क्यों भौंक रहा है? वो कुछ नहीं सर। ठीक है, लेकिन तुम सोना मत। ठीक है सर। हाँ कमाल है, अगर पुलिस भी आ जाए तो हम लोग वहां पे जाकर देख लेंगे। चलो खाना खाते। फिर भी हम DIG से पुलिस प्रोटेक्शन मांग ही लेते हैं। यस्मीन, कहो तुम लोग, बचाओ मुझे। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? बोलो तो सही कुछ। अंकल। क्या हुआ?
अभी भी फॉर्म में है। क्या कहा? मैडम आप अभी भी फॉर्म में हैं। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वक्त पर काम नहीं आएगा ना, सही है ना? जी साहब आए हैं, वो अभी आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक्सीडेंट या आत्महत्या जैसा कुछ नहीं था। एक्यूरेटली डिजाइंड, प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड प्लान्ड मर्डर। प्लान्ड मर्डर? ये लिंडा विवेक के साथ रेस्टरूम में सोई जरूर थी, लेकिन रेस्टरूम में कुछ नहीं करके ये टेरेस में खून क्यों किया था? सिर्फ यही नहीं, दोनों साथ में मिलकर टेरेस में बैठ के पढ़ाई भी कर रहे थे। इस बात का ये सबूत है कि टेरेस में हमें स्ट्रगलिंग के कुछ सबूत मिले हैं। उस लड़की का चरित्र कैसा था? एनी बैड हैबिट? मुझे वो रिपोर्ट देखनी पड़ेगी सर। डिड यू गो टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नथिंग अनयूजुअल, लेकिन उसमें एक सुराग मिला है। सीआई अनवर जब लड़कियों को चेक कर रहे थे तो लिंडा को ऊपर किसी ने रेप अटेम्प्ट किया था, इससे ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तब वो सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट क्यों करेगी भला? फिर इस केस में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? वो सर पुलिस के तहकीकात के मुताबिक जो प्राइम सस्पेक्ट हैं गार्ड भद्रन और लिंडा का बॉयफ्रेंड विवेक, इन दोनों ने ही कुछ किया है। एंड दैट चेफ वाज डेड वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग? वो एक बाइक एक्सीडेंट ही था सर। उन लड़कियों को कोई प्रॉब्लम थी क्या? और लास्ट में कोई ऐसा शॉकिंग न्यूज़ तो नहीं है? उनकी किसी से कोई दुश्मनी है क्या? ये सब तो उनके हॉस्टल में ही हुआ है सर। जहाँ तक मुझे पता है सर, ये सब अमीर माँ बाप के औलाद हैं, लेकिन इनको कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। दैट्स ऑल, मेन प्रॉब्लम तो यही है और कुछ नहीं है सर। पेरेंट्स बहुत होल्ड वाले हैं, मिनिस्टर ऑफिस से रोज पूछताछ करते हैं। सो मेक इट फास्ट। यस सर। लेकिन सीआई वहां कैसे पहुंचा? मुझे नहीं मालूम, उसको सडनली देख के मैं वहां पे डर गई थी। तुमको अकेले बाहर कार लेकर जाने की क्या जरूरत थी? आज के बाद कोई भी बाहर अकेले नहीं जाएगा, अगर जाना है तो हम सब साथ जाएंगे। इसके बाद हम और कोई चांस नहीं ले सकते हैं। हमें तुरंत डीआईजी को फोन के बारे में बता देना चाहिए। एक बात है, हमें डीआईजी ने इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने के बाद भी लिंडा के मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं पूछा और उसका कोई मैसेज भी नहीं आया मोबाइल में। फिर भी हम प्रिपेयर रहते हैं। हमने जो पासपोर्ट सरेंडर किया वो सही नहीं किया, नहीं तो हम कब के चले जाते यहाँ से। कौन है? कोई भी तो नहीं है। सिक्योरिटी? कौन है? सिक्योरिटी? बोलिए मैडम। नहीं, यहाँ किसी को आते हुए देखा है क्या? नहीं मैडम, कोई भी नहीं आया, और इतना ऊंचा कोई भी नहीं चढ़ पाएगा। You killer, what you are looking for? कौन चाहिए हमें से तुम्हें? कौन चाहिए? मुझे एक आदमी पर शक है। किस पे? वो है प्रोफेसर रविंद्रन। It is written with lipstick. इतने
आसानी से तो यहाँ चढ़ा नहीं जा सकता है। किसी के पास सीआई का नंबर है? यू हैव एनी आइडिया? जी अभी मैं पता करता हूँ मैडम। नो नॉट नाउ, उनको अभी कुछ मत बताओ। वो अभी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतना पूछ लेते हैं। यस मैडम। अभी याद आया, आखिर इतने खून होने की वजह क्या है? ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, अब क्यों याद आ रहा है? आप ऐसा रिस्क नहीं लेते, अगर आप चाहे तो पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं। पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, आप ही ने तो कहा था, फिर अचानक इरादा कैसे बदल लिया? डीआईजी मैडम, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर सनी कोरियन है। आपकी सिटी के सारे क्रिमिनल मेरे हाथ में है, इतना तक कि पॉलिटिशियन और क्रिमिनल भी। आपको क्या करना है वो कीजिए बस। मैडम मेरे से उलझने की कोशिश मत करिएगा। वो सब बाद में देख लेंगे। पहले जरा इन लड़कियों से पूछ कर देख लो। ये लोग सब इतनी डरी हुई है, पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत हो। एनीवे, वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, आई एम पोस्टिंग सम टाइट सिक्योरिटी। जेम्स, मैडम मेरे ख्याल से आउटसाइड सिक्योरिटी को टाइट करो। मैडम मुझे आपसे पर्सनल कुछ बात करनी है। इतनी बेवकूफी भरी हरकत कैसे कर सकती हो? लिंडा के मौत के समय मोबाइल के बारे में अगर तुम बता देती तो बाकी सब बच सकते थे ना, कोई नहीं मरता। जहां तक मेरा ख्याल है खूनी तुम लोगों में से ही कोई एक ही है। एक्चुअली एक्सीडेंट के बाद हम फोन के बारे में बोलना भूल गए थे। हमें बचा लीजिए मैडम, आपके सिवा हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अभी तक हमने कोई गलत काम नहीं किया है मैडम। ओके, फिर भी इस मोबाइल को तुम लोग अपने पास ही रखो। अगर ये मोबाइल तुम लोगों के पास रहा तो खूनी को ट्रेस करने में बहुत ही आसानी होगी। एंड वन मोर थिंग, इस बारे में किसी को भी पता ना चले, नॉट इवन योर लोकल गार्जियंस, अंडरस्टैंड? और तुम लोगों के उस प्रोफेसर को मैं खुद ही देख लूंगी। दस साल पहले मेरी बीवी गुजर जाने के बाद मैं यहाँ आया था और यहीं रह गया। मेरे घर में कोई ड्रिंक नहीं करता, मैं घर में ही सोता हूँ। अगर कभी ऐसा हुआ कि रात को मुझे नींद नहीं आई तो मैं कार लेकर निकल जाता हूँ, फिर मैं बीच में कार लेकर घूमता रहता हूँ थोड़ी देर के लिए। पेट्रोल ड्यूटी में रहने वाले पुलिस भी अक्सर मुझे देखते ही हैं। वही रूट और वही समय, मतलब जहाँ वो हॉस्टल है उसके सामने से आना जाना करता हूँ। आप लोगों ने एटीएम के बारे में पूछा, बोलिए। 27 जनवरी 2009 में बैंगलोर में जो घटना घटी थी उसके बारे में मैंने बताया। मैडम आपको तो सब पता ही होगा। इस बीच एटीएम में पैसा ना होने के कारण बीच से वापस आते वक्त दूसरे एटीएम में जाकर वहां से कैश निकाला। टाइम का मुझे याद नहीं है। मैडम चाय पी लीजिए। नो थैंक्स प्रोफेसर, आप तो बहुत ही बढ़िया जवाब देते हैं। बिना गुनहगार बने आप एक न्यूरोलॉजी प्रोफेसर बने हैं, बहुत ही आश्चर्य है। आप तो मुझे लीडिंग क्रिमिनल लॉयर ज्यादा दिखते हैं, एम आई राइट? गुड, आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछिए। अचानक पसीना आने का रोग कई लोगों को है, आपको भी ऐसा ही कुछ है क्या? What do you mean? उस दिन बीच में ठंडी हवा खाकर, रात को एसी कार से आकर, एसी एटीएम में कैश निकालते वक्त आम आदमी की तरह आपको अचानक पसीना क्यों छूटने लगा, बता सकते हैं? अगर यकीन ना हो तो खुद ही देख लीजिए। मानती हूं कि जिस आदमी की पत्नी को मरे हुए काफी साल हो चुके हैं, कई तरह के टेंशन्स तो होंगे ही, क्वाइट नेचुरल। अकेलापन सताता होगा तो शराब पीकर बीत जाना, ओके आई एग्री। अबव ऑल आपकी एक स्टूडेंट आपको कई बार इंसल्ट भी कर चुकी है। दैट्स अगेंस्ट योर प्रोफेशनल एथिक्स। चलिए मैं आपको कुछ सुनाती हूँ, आपके स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स। इट्स एनफ, आप बिल्कुल गलतफहमी के तहत मुझ पर शक कर रही हैं। नो नेवर, बस एक सवाल पूछती हूँ, आपका और सीआई अनवर का क्या संबंध है, बताएंगे मुझे? कुछ भी नहीं।
मैं याद दिला दूं आपको, लिंडा द्वारा आपको कॉलेज में अपमान करने के बाद सीआई अनवर बिना किसी को कुछ भी बोले कॉलेज कैंपस में आए थे। आपको कई बार सीआई अनवर के साथ कई जगह पर देखा गया है। अब आप इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास पूरा सबूत है। दिखाऊं क्या आपको? लिंडा की मौत जिस रात को हुई थी, प्रोफेसर बीच में अकेले तो नहीं गए थे? इस बात को हमें प्रूफ करना है, और वो हम प्रूफ करके रहेंगे, क्योंकि प्रोफेसर के कैरेक्टर पर एक क्वेश्चन मार्क है। वो बाहर से जैसे अच्छे इंसान दिखते हैं, अंदर से वो कुछ और है, इसी बात का शक है मुझे। मिस्टर एल्टो। यस मैडम। हमारे पेट्रोलिंग व्हीकल्स को जल्दी यहाँ पर आने के लिए बोली। ठीक है मैडम। प्रोफेसर के ब्लड सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स लेने की तैयारी करके मुझे बताइए। यस मैडम। ओके। मैडम मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, आती हूँ। तुम यहां मत आओ, मैं वहां पर आता हूं। यहां पर पुलिस है, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं वहां आने की बात कर रहा हूं। ओके।
वकील सर। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? नीचे आइए। अरे आ रहा हूँ ना भाई नीचे। देखिए सर, समीरा के लिए कोर्ट नोटिस आया है। ओ, ये तो कोर्ट का नोटिस है। ये बेंगलोर में जो इसका फ्लैट है ना, उसके बारे में आया है, उससे संबंधित नोटिस भेजा है। एक्स पार्टी के तहत है, हाजिर तो होना ही पड़ेगा। कल तुम कॉलेज जा रहे हो ना, चली जाना कोर्ट में। ठीक है, आप बोलते तो मैं कोर्ट चली जाती हूँ। वहाँ नहीं जाने से प्रॉब्लम हो सकती है। डेट तो कल ही का है, सुबह 11 बजे हाजिर होना है। क्या करें? जाने दीजिए ना, इतनी दूर है, अगर नहीं जाती तो क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? तुम पागलों जैसी बातें मत करो। 1 या 2 रुपए की बात नहीं है, पूरे के पूरे 5 करोड़ रुपए का मामला है। इसके पिताजी बोले तो बस है आगे अटैक करने। इसका जाना जरूरी है क्या? कोई और नहीं जा सकता? वैसा नहीं है, ये फ्लैट के रजिस्टर्ड ओरिजिनल ओनर है, इसी को जाना पड़ेगा। छे, मेरा जाना तो मुमकिन नहीं है। क्या करूं? इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं अंकल, मैं जाती हूँ। हम भी चलेंगे, हम टैक्सी में चलेंगे ना। वैसे मत जाना, टैक्सी में मत जाना, बताता हूँ मैं, ट्रेन या बस। ठीक है, लिंडा के मोबाइल का ध्यान रखना, कोई फोन या मैसेज आए तो डीआईजी मैडम को बता देना। मैं देख लूंगी। डोंट वरी। ओके। वेलकम बैक मैडम, लेटर्स फॉर यू। थैंक यू। ओके मैडम। हेलो जोशी, मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। हेलो समीरा, तुम मैम को जल्दी से फोन करो, जल्दी प्लीज। समीरा। हेलो। प्लीज। हेलो। हेलो। हेलो मैडम, वो सीआई मेरा पीछा कर रहा है मैडम। समीरा क्विक, तुम वहां रुकना मत, जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ, फ्लाइट विल बी बेटर। हेलो, हाँ।
यस, बोलो समीरा। मैडम, मुझे 2:30 का फ्लाइट नहीं मिला है, वो फुल था। ओके, देन 4:30 का फ्लाइट मिला है। यू कम स्ट्रेट टू माय ऑफिस। ओके मैडम। जल्दी चलाओ गाड़ी। व्हाट इज द अराइवल टाइम? 6:30। एयरपोर्ट से समीरा को सीधा लेके कैंपस जाना है। मैडम बोली है कार जल्दी चलाना रशीदा। ओके ओके ठीक है। अभी कहाँ है मैडम? तुम ऐसा करो, डायरेक्टली मेरे ऑफिस में आ जाओ। ओके ओके। यू गॉट इट? ओके मैडम। मैडम, पुट द पुलिस कांस्टेबल इनसाइड द वार्ड। ये आप, इट्स योर ड्यूटी। एक बात अच्छी तरह से बता दूं, वो एक साइको है। अपने सारे ऑफिसर्स को अलर्ट रहने के लिए बोलिए। पता नहीं आपकी जिम्मेदारियों को मैं आपको कैसे समझाऊं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैडम। नो, क्यों समझ में नहीं आ रहा है आपको? व्हाई कांट यू एक्सेप्ट दिस सीरियसनेस? तो फिर ठीक है, आपकी जगह मैं ड्यूटी करती हूँ। ओके, मैं इस मैटर को इतने कूली नहीं ले सकती मिस्टर जेम्स। नो मैडम, हम जो आप बोल रहे हैं वही कर रहे हैं मैडम। Then shoot him on the spot। मैडम, you do what I say, this is my order। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं खुद झेल लूंगी। Got it? Yes मैडम। Where is Linda's mobile? ये रहा मैडम। उसके ओल्ड नंबर पे कॉल करो, अनवर के हाथ में मोबाइल होगा, आई एम श्योर। Is it ringing? No, it's out of range. वो कॉल करेगा, नहीं तो मैसेज करेगा। Anyway, this will be the last call. Who's that? अंकल है। मत उठाओ, फोन साइलेंट मोड में डाल दो। Bravo calling Robo. See, I got a message. It is Linda's old number. Angel boat, fishing harbor, very important matter. मैंने कहा था ना, वो हरकतों से बाज नहीं आएगा। तुम हार्बर में जाकर उस इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में पता करो। कौन मैं? यस, नथिंग विल हैपन टू यू। तुम घबराओ मत, मैं साथ में चलूंगी। ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। कंट्रोल रूम, चल चल निकल। तुमने क्या सोचा, हम तुम्हें पकड़ नहीं सकते? गाड़ी में बिठाओ इसको। तुमको क्या अलग से बोलना पड़ेगा? चल गाड़ी में, चल चल बैठ अंदर। पकड़ लिया। एंजल फिशिंग बोट, तुम चली जाओ, मैं यहीं पर हूं। Oh.
बच के निकल जाओ, ये रॉबर्ट तुम्हें मारेगा। टेस्ट रिपोर्ट सब मैंने आईजी के हवाले कर दिया। कोर्ट में हो सकता है आपको रिहाई मिल जाए। जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि वो नूरुद्दीन अहमद इज एन इंटरनेशनल टेररिस्ट और उसको मारने पर सरकार ने इनाम देने की भी घोषणा की थी, यहीं पर आपको गलतफहमी हुई है। सीरियल किलर दरअसल कोई और नहीं, वही था। और अब आप सब कुछ भुला कर खुद को माफ कीजिए। ये जितने भी खून हुए हैं, डेजी का उनसे क्या संबंध है ये मैं नहीं समझा। ये सब कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ, ये आप ही बता सकती हैं।
तुम इतने जल्दी मेरे हाथ आ जाओगे पता नहीं था। ये पागल है, सारे खून यही करवा रही है, ये तुझे भी मारेगी, बच के निकल जाओ। तुम्हारे फ्रेंड्स को मारने वाला यही है। हाँ? समीरा बच के निकल जाओ। और साले डरो मत इससे, इसे ऐसा सबक सिखाओ कि सब लोग याद करें। Highly sadist and psycho. Over. उसके हाल पर रहने दो, आओ अंदर आओ, आजो। पावर कॉलिंग रेंजर। रेंजर आंसरिंग, ओवर। हार्बर में जो पुलिस खड़ी है उसको एडवांस करने को बोलूं क्या? नहीं सर, बहुत रिस्क है, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी, उसके पास बहुत लोग हैं सर। ओके सर, ओवर। समीरा डैनियल, इससे पहले तुमने मुझे देखा है क्या? 2 साल पहले देखा है मुझे? आमने सामने या फोटो में? एटलीस्ट फोटो में तो देखा होगा। देखना मुमकिन नहीं था, मेरी आवाज तो सुनी होगी तुमने। यस, मेरी आवाज तो सुनी ही होगी, ऐसा नहीं, भीख मांगने की आवाज। अपने अहंकार में हमेशा चूर रहने वाले, पैसों का घमंड, ऐसे में तुम लोगों को मेरी आवाज कैसे सुनाई देगी? नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं देगी। किसको जाके तू बाहर बोलेगी? समीरा, आज पूरा क्लाइमेक्स खत्म कर दूंगी मैं। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। थैंक यू कॉलिंग। बॉस को वहीं पोस्ट करने बोलूं क्या? बॉस को यहीं पोस्ट करूं क्या मैडम? बोलिए मैडम। ओवर। इस वक्त उस साइको से समीरा को बहुत खतरा है, जैसे ही वो साइको बाहर आता है मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। मेरे इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से फॉलो कीजिए। ओके, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाकर मेरे इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कीजिए। फोर्स को यहाँ से दूर जाने के लिए बोली है। ओके मैडम। वो दिन याद करो जब मैं तुम लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मेरी मासूम छोटी बहन दालिया। हे रुक, तू क्या पुरानी फिल्मों की हीरोइन है या फिर हॉस्टल की नई वार्डन? क्या है तू? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देख, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, यहाँ पे रहना है ना तो शांति से रह, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? वो एक ब्लैक डालिया, गेट लॉस्ट यू ब्लडी बिच। अब क्या देख रही हो लिंडा, वो ब्लैक डालिया तो तुम्हारी हीरो को लेकर गई, बाइक तो चली गई। ए, रुकना, क्या कर रही है? रुक, लिंडा, व्हाट इज दिस? लिंडा, लिंडा, स्टॉप इट, लिंडा, आई से स्टॉप इट, लिंडा, क्या कर रही तू? वो नई लड़की मेरा सिरदर्द बन गई है, वो जिंदा नहीं बचनी चाहिए,
because I love him. I can't live without him. I can't live without him. I can't live without him. Nanjappa. ए तू क्या सोचती है, हम क्या तेरे आईपीएस दीदी से डर जाएंगे? सुन, तेरे आईपीएस दीदी को बोल देना हमसे पंगा नहीं ले, अगर हमसे खेलने की कोशिश की ना उसने, उसके सर पे टोपी की जगह ना रीत रखनी पड़ेगी, समझा देना उसको। इसकी दीदी जो देहरादून में आईपीएस ट्रेनिंग कर रही है, मेरी आंटी उसको ठिकाने लगा ही देगी। बच्चे इसका बुरा वक्त चल रहा है। हम लोग चल के प्रिंसिपल से कंप्लेन करते हैं, इसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है। तुम लोग सिर्फ बातें करती हो, करती कुछ नहीं हो, इसीलिए हिम्मत बढ़ गई है। Yeah, he is coming. Shh, shh. Just go inside. Do it, man. Hey, dress up. Madam. Do it. नहीं बाबा. I said just do it. Dress out. समीरा ये गधा है, ये कुछ नहीं कर रहा। Do it, man. What I say. जो मैं बोलती हूँ वही करो, समझे? Just show her face to the camera. Kiss her, this portion. All close, okay, lo. हाँ. तुम्हारी बहन सिक्योरिटी गार्ड नंजकपा के रूम में सो रही है, तुम्हारी डालिया। उसने कोई शराब पिया या कोई नशा किया है? हमें नहीं मालूम। ऐसा मत बोलो, बहुत बुरा हो जाएगा। तुम लोगों के साथ ही पढ़ती है, वो मासूम है। प्लीज प्लीज उसकी बदनामी मत करो। शायद पॉकेट मनी नहीं होगा, फिर कॉलेज फ्रेंड्स के साथ खर्च करने के लिए भी तो चाहिए। वो शायद उसका साइड बिजनेस होगा। हो सकता है कि तुम पैसे नहीं भेज रही होंगी, इसीलिए उसने ये बिजनेस शुरू किया। वो मासूम है, मेरी बहन मासूम है। उसका लाइफ बर्बाद मत करो। मेरी छोटी बहन मासूम है। प्लीज चल, फोन रख, चल। प्लीज, हेलो, 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 हेलो। ओह माय गॉड, something is written. God, somebody has written with lipstick. बैंगलोर से जब तुम लोग केरला चले गए तो मैंने तुम लोगों का पीछा किया, बदला लेना था। मुझे आईपीएस का जॉब मिल गया, मुझे कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पोस्टिंग के लिए इंतजार करती रही क्योंकि मुझे तुम लोगों से बदला लेना था। तुम लोगों को मैं ऐसे कैसे जाने देती? डर, डर में जीने के लिए मजबूर किया तुम्हें। यही पहला वार था जो तुम लोगों पर मैंने किया। मौत का डर क्या होता है, यही मानसिकता मैं तुम लोगों के मन में डालना चाहती थी, पागल बनाना चाहती थी। और इसीलिए मैंने बैंगलोर में जिसने तुम लोगों की मदद की थी, उस सिक्योरिटी गार्ड को तुम लोगों के कार के आगे फेंक दिया। लेकिन तुम लोगों को वो शराब के नशे में सिर्फ एक हादसा नजर आया। तुम लोगों को लगा कि वो एक शराबी है। मेरा हिसाब गलत हो गया, वो मरा हुआ आदमी नंजप्पा था, तुम लोगों को पता नहीं चला। ठीक उसी वक्त लिंडा का मोबाइल मेरे हाथ में लग गया, और उस वक्त लिंडा हॉस्टल में थी। जैसे तुम लोगों ने नंजप्पा को पैसा से खरीदा था, ठीक वैसे ही मैंने भद्रम को पैसे के बल पे खरीद लिया। और पैसा, पैसा इंसान से क्या कुछ नहीं करा देता, वो मेरा गुलाम बन गया। और उसके बाद लिंडा की मौत सुइसाइड में बदल गई। लेकिन वो विवेक, वो तो मेरे लिस्ट में था ही नहीं। That episode was
enacted as an accident. और आथिरा, उसे तो दमा की प्रॉब्लम थी। मैंने रॉबर्ट की मदद से इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाकर उसे मरवा डाला। आथिरा का खेल खत्म। Quite natural death. श्रद्धा को मरने के लिए तुम लोगों ने ही उकसाया था। उसे मौत से डर कर जीते हुए खुद भद्रन ने अपने आंखों से देखा था। मैंने उसको जो बोला उसने वही किया। आज तक जितनी सच्चाई तुम लोगों ने छिपाई है, यहां तक कि कार एक्सीडेंट तक, दैट्स क्वाइट नेचुरल। बैंगलोर में आकर तुम मेरे पास फंस गई। सीआई अनवर को आगे रखकर पीछे से सब कुछ मैं ही करती रही। उसको कई बार मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मौत उसके नसीब में लिखा था। वो अनवर मेरे खिलाफ ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जिस हॉस्पिटल में मैं तहकीकात कर रही थी वो वहां भी गया, एक एक चीज को ढूंढ रहा था। लेकिन रिपोर्ट मेरे हाथ में आया। अब मेरे बदले के लिस्ट में तुम्हारी बारी है, तैयार हो जाओ। रॉबर्ट। मैडम। मैडम अब चलता है, केयरफुल। अभी मेरा काम पूरा हुआ ना तो मैं कल श्रीलंका जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स जा सकते हो। हो सकता है तुम इंडिया के खिलाफ काम किया हो, लेकिन मेरे लिए एक अच्छे इंसान हो। सो यू हैव टू गो टुडे, नॉट टुमारो। कन्फेशंस आर नॉट एडमिसिबल इन अ ट्रायल कोर्ट। आपके द्वारा मारे हुए समीरा डैनियल अब इस दुनिया में नहीं है, सो इजी वर्क ओवर। इतनी सारे जिंदगियों को खत्म करने की वजह से भगवान का कोर्ट आपको माफ नहीं करेगा। एंड यू हैव टू रियलाइज वन मोर थिंग, यू आर द विक्टिम ऑफ ए रेयर डिजीज, ज्यादा ड्रग्स और सेडिशन के कारण 16 तरह के ब्रेन सेल्स डैमेज हो गए हैं। And the maximum lifespan should be 10 months to 1 year. Sad. Of course, मैं समझता हूं, लेकिन सब भूलने की कोशिश करो। Time heals. वक्त पर किसी का जोर नहीं है। Daisy, तुमको वापस इधर ही आना है। मुझे जीने की और तमन्ना नहीं है। मैं किसके लिए जीऊं और किस लिए जीऊं, अब क्या मतलब रह गया? एटलीस्ट इज माय स्लोगन। मैंने बड़ी बहन होने का फर्ज निभा लिया। आप ही तो कहा करते हैं ना कि टाइम हील्स। उसी वक्त ने मुझे बदल डाला। नो, टाइम नेवर हील्स। वो प्यार की अहमियत को और ज्यादा बढ़ा डालती है। जाने ये कैसी मजबूरियां।